जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है ट्रेनिंग रनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ट्रेनिंग में कितनी रनिंग होती है, क्या टाइमिंग होती है और मतलब कितने किलोमीटर की रनिंग होती है और कब कब होती है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया गया है जो ट्रेनिंग के रनिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में कितनी रनिंग होती है, BSF ट्रेनिंग में कितनी होती है, CRPF ट्रेनिंग में कितनी होती है या SSB ट्रेनिंग में कितनी होती है, CISF में कितनी होती है। तो दोस्तों बता दूँ, ट्रेनिंग में ज़्यादा ट्रेनिंग की जो रनिंग होती है इन सभी डिपार्टमेंट में, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए मैं इंक्लूडिंग वीडियो बना रहा हूँ जो इन सभी की जो ट्रेनिंग में जो रनिंग होती है उसके बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो शुरुआत में आपकी जब रनिंग स्टार्ट होती है, जब पहले वीक में आपकी यहाँ से जब ट्रेनिंग में जाते हो, तो दोस्तों जाते हैं आपकी ट्रेनिंग टाइमिंग से नहीं होती है, आपको एक दो वीक तक नॉर्मल रनिंग कराई जाती है, उसमें आपके साथ PTI भी रनिंग करते हैं और स्लोली स्लोली आपके साथ रनिंग शुरू करते हैं। तो दो चार वीक तक आपको इसी ढर्रे में धीरे 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 आपको वार्म अप करने के लिए रनिंग कराई जाती है। तो जब आप धीरे धीरे रनिंग करने लग गए, तो पहले दो चार वीक में आपका कोई टेस्ट नहीं होता, उसके बाद में फिर हर सैटरडे रनिंग में रनिंग टेस्ट होता है दोस्तों। तो उसमें आपके जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें दोस्तों आपके जैसे 3.2 मतलब 3200 मीटर की जो रनिंग होती है उसका टाइमिंग रहता है दोस्तों। जो टेस्ट में होता है उसको टाइमिंग बता रहा हूँ मैं आपको, शुरुआती दिनों में वो टाइमिंग ज़्यादा मिलेगा। जब आपका 12 वीक का जो टेस्ट होगा तो उसमें आपको 3200 मीटर की रनिंग होगी दोस्तों। जब आपका 12 वीक कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग का, तो उस समय आपका 3200 मीटर का जो टेस्ट होगा उसमें आपकी टाइमिंग रहेगी 11 मिनट दोस्तों, और वो विदाउट बस ऐसे ही रहेगा नॉर्मल ड्रेस में, जो PT का जो चड्डा रहता है उसमें और टी शर्ट में या बनियान में। तो उसमें आपको 11 मिनट में 3200 मीटर की रनिंग होगी दोस्तों और 5 किलोमीटर रनिंग होगी दोस्तों 22 मिनट में। ये आपके 12वें वीक में जाके होगा दोस्तों, इससे पहले आपका कोई टेस्ट रनिंग का नहीं होगा। होगा तो ही वो मतलब रोड होता रहेगा बीच में हर सैटरडे को, तो लेकिन वो नॉर्मल रनिंग टेस्ट होगा। जो मेन टेस्ट होगा वो 12वें वीक में होगा, जिसको आपको फाइट करना ही करना है दोस्तों। अगर कोई ट्रेनिंग में फेल हो जाता है जिसका टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो उनको दोस्तों एक्स्ट्रा रनिंग कराई जाती है, मतलब शाम को भी उनको रनिंग कराई जाती है, एक्स्ट्रा PT बढ़ा देते हैं उनकी, तो कि वो रनिंग में धीरे धीरे फिट हो जाए। इसके बाद में जब दोस्तों आप 5 किलोमीटर की जो रनिंग पास कर लेते हो, उसके बाद में धीरे 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 आपकी रनिंग बढ़ा दी जाती है नॉर्मल जो वीक है उसमें, धीरे धीरे जैसे आपकी 6 किलोमीटर फिर 8 किलोमीटर आ जाता है 5 किलोमीटर से। 8 किलोमीटर की जो रनिंग का टाइम होता है दोस्तों, वो जो टेस्ट में टाइम होता है वो होता है 36 मिनट, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। 40 मिनट की में आपको 8 किलोमीटर की रनिंग करनी है। तो अब तक जो ये रनिंग हुई दोस्तों, इसमें आपके साथ कोई वेट नहीं रहेगा, ये आपकी रहती है केवल मतलब 12वीं से 20वें वीक तक, मान लो 20 वीक तक आपके साथ कोई वेट नहीं रहेगा। लेकिन 20वें वीक से या 18-19वें वीक से दोस्तों आपके पास में वेट आ जाएगा राइफल का, जिसको बोलते हैं B स्केल। तो जो 22वें वीक का आपका टेस्ट होता है, जिसको मिड टर्म टेस्ट बोलते हैं, जब आप छुट्टी जाते हो घर पर, उस समय जो दोस्तों टेस्ट होता है वो होता है B स्केल टेस्ट। उसमें एक टेस्ट होता है आपका 3200 मीटर का, जिसमें 11 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक टेस्ट होता है उसमें B स्केल। B स्केल का मतलब हो गया जूते, इंकलेट, पूरी वर्दी और साथ में कंधे पर राइफल, इंसाज राइफल या जो भी राइफल आपको दी जाएगी वहाँ पर, इंसाज राइफल से होती है आजकल, तो वो राइफल का जैसे 4 से 5 kg वेट होता है, तो उसके साथ में आपकी रनिंग होगी और उसका टाइमिंग होगा आपके पास में दोस्तों 24 मिनट, क्योंकि तब तक आप ट्रेनिंग के ढर्रे में आ जाओगे और आपकी रनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आपको वेट के साथ रनिंग कराएंगे ताकि आपकी धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ जाए दोस्तों। उसी के साथ में एक 20 किलोमीटर का स्पीड मार्च होता है, जिसको रनिंग एंड वॉक बोलते हैं दोस्तों। तो उसमें आपके पास में वेट रहेगा 12 kg वेट और राइफल, लेकिन 22वें वीक में वो वेट शायद मेरे के 8 kg तक रहता है या 12 kg भी हो सकता है दोनों में से, क्योंकि BSF की ट्रेनिंग में 12 kg भी कर देते हैं, CRPF में 22वें वीक में भी मतलब 8 kg होता है, फिर 12 kg भी हो जाता है। तो उसके साथ में 20 किलोमीटर वो वॉक एंड रन होता है, मतलब आप चलते भी रहोगे, हल्के हल्के दौड़ते भी रहेंगे, उसमें आपके साथ में और भी जो सब उस्ताद है वो साथ देंगे आपका, दौड़ेंगे तो वो भी आप कर लोगे। उसके बाद में अब रनिंग आगे होती है दोस्तों, जब आप मीटरम करा के फिर वापस जाते हो, उसके बाद में आपकी जो रनिंग होती है वो होती है दोस्तों 8 किलोमीटर की जो रनिंग है, उसके बाद में रनिंग बढ़ के आ जाती है 16 किलोमीटर पर। अब इस दौरान जो बीच में आपको 10 किलोमीटर की रनिंगें भी कराते हैं बीच बीच में, लेकिन वो टेस्ट में इंक्लूड नहीं होती है, नॉर्मल डे में कराते हैं, जैसे सैटरडे
में आपको 10 किलोमीटर की भी कराते हैं, 15 किलोमीटर भी कराते हैं, लेकिन जब बाद में बात आती है टेस्ट की तो फिर होता था 16 किलोमीटर। दोस्तों 36वीं वीक में जब आपका टेस्ट होता है तब होता है 16 किलोमीटर रनिंग, जो कि नॉर्मल होती है। 16 किलोमीटर रनिंग विदाउट वेट होता है, 16 किलोमीटर रनिंग होती है दोस्तों। उसके साथ में आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होती है विथ वेट, उसमें वेट रहता है आपके पास में 5 kg और साथ में एक राइफल रहती है, राइफल और 5 kg वेट के साथ 5 किलोमीटर रनिंग होती है 36वीं वीक में जाते जाते। इसके साथ जो और टेस्ट होते हैं, जैसे रिटर्न टेस्ट होता है आपका 22वीं वीक में, जब आप मीटर मारते हैं उससे पहले आपका रिटर्न टेस्ट भी होता है। तो अभी मैं केवल रनिंग की आपको बात बता रहा हूँ, केवल हम रनिंग पे चल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको कई बार रनिंग का पूरा शेड्यूल बता दूँ कि रनिंग कितनी होती है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो टाइमिंग वाली रनिंग होती है, अभी पहले ज़्यादा थी, अभी 16 किलोमीटर कर दी गई है दोस्तों। 16 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी टाइमिंग रनिंग नहीं होती टेस्ट में, लेकिन 16 किलोमीटर नॉर्मल नहीं होती। जब आप ट्रेनिंग पास करने पर होते हो, ट्रेनिंग के लास्ट होते हो, मतलब आपने 11 महीने की ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद जो आपकी 16 किलोमीटर की रनिंग होती है दोस्तों, वो होती है बी स्केल में। बी स्केल का मतलब है कि आप पूरी वर्दी में रहोगे, साथ में आपके P2 रहेगा, उसमें 5 kg वेट रहेगा, उसके साथ में आपके राइफल रहेगी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार आपके वेट नहीं भी, कई ट्रेनिंग सेंटरों में वो वेट नहीं भी रहता है, कई में रहता है, लेकिन मतलब जैसे BSF में रहता है, CRPF में नहीं रहता, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट में अलग अलग नहीं। जैसे जब हमने ट्रेनिंग की थी तब हमारे साथ में केवल एक राइफल थी, हमारे वेट नहीं था। तो जब मैंने ट्रेनिंग की थी उस समय 16 किलोमीटर की जो रनिंग थी उसका मतलब लास्ट टाइम था 90 मिनट, 90 मिनट की टाइमिंग थी दोस्तों, 90 मिनट में 16 किलोमीटर कंप्लीट करनी थी विथ राइफल। तो राइफल का वजन मान लो एक बोतल भी रहती है साथ में 2 लीटर की पानी की, तो वो भी यहाँ पे कमर पे बांध के बोतल रहती है, और राइफल रहती है वो भी 5-6 kg वेट की रहती है, 5 kg की मान लो। उसके साथ में 16 किलोमीटर रनिंग 90 मिनट का टाइम मिलता है दोस्तों। अब मैं अपना बता दूँ ट्रेनिंग का शेड्यूल, तो मेरे ट्रेनिंग में मैंने 16 किलोमीटर की जो रनिंग की थी वो 79 मिनट में की थी दोस्तों, बी स्केल वेट के साथ, तो जिसमें राइफल रहती है वो। तो ये आपका रनिंग है। इसके बाद में 40 किलोमीटर रनिंग मार्च होता है दोस्तों, उसमें आपके पास 12 kg वेट रहता है, कंधे पे राइफल रहती है, और 40 किलोमीटर आपको रनिंग का, रनिंग एंड वॉकिंग रहता है दोस्तों। उसमें आपको मतलब रनिंग भी करना है, धीरे धीरे चलना भी है, क्योंकि वेट के साथ लंबे से लंबे टाइम तक आपको मतलब 40 किलोमीटर हाईएस्ट रहता है, तो वो तो रन एंड वॉक रहता है। रनिंग में अब जो ट्रेनिंग में जो अभी नया शेड्यूल है, इसमें हाईएस्ट जो रनिंग है वो है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर बी स्केल। ऐसे आप 20 किलोमीटर भी करवाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल वेट के साथ, बिना वेट के साथ करवाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो वेट के साथ है मतलब राइफल के साथ है, वो मैक्सिमम 16 किलोमीटर विद पानी की बोतल रहती है, जिसको 16 किलोमीटर के दौरान आप पी सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका रनिंग का पूरा शेड्यूल ट्रेनिंग का। अब ये सभी में CISF, CRPF, BSF इनमें सेम सा ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि जैसे इसका 12वीं वीक में हो रहा है या 24वीं वीक में हो रहा है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, बाकी जो टाइमिंग है यही रहती है अधिकतर। इसके अलावा अब जो बीम है, पुशअप है, सिटअप है, इनके हर एक वीक में, जब इसे 12 वीक का टेस्ट होता है उसमें भी होता है रस्सा बीम। इसके अलावा एक जो रनिंग का वो शेड्यूल वो होता है BOC, जो आप देखते हो ना, जो रस्सों पे चढ़ते हैं, रस्सों से उतरते हैं, जंप करते हैं, उसको बोलते हैं BOC। तो उसका अलग रहता है, उसका उनका भी टेस्ट होता है, फाइनल वीक में भी होता है और 22वीं वीक में भी, जब आप घर जाते हो उससे पहले भी उसका टेस्ट होता है। उसमें भी आपके पीछे राइफल रहती है और रनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये आपका रनिंग का पूरा शेड्यूल है। इसके अलावा आप रनिंग में और कुछ नहीं है, अगर फिर भी आपको कोई शक हो रनिंग का, या आपके टाइमिंग का, या आपको कोई रनिंग से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो मैं नीचे मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेंशन कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।